हाय हेलो नमस्ते नमस्कार श्री श्रीकाल आदाब वेलकम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शी इन हॉल, जैसा कि आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट चीज मैंने पिक की है ये टॉप जो कि है चेरी वाला, इस पे चेरी प्रिंटेड है विच इज वेरी क्यूट क्योंकि ये पिंकिश लाइक इट्स अ क्रिस्टल पिंक कलर है ये, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसके कपड़े की बात करूँ इट्स वेरी स्ट्रेचेबल। एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होगा, तो थोड़ा सा मैंने मतलब एग्जैक्ट मैंने मेरे साइज का मंगा लिया था, बट अगर आप अपने साइज से एक दो इंच कम भी मंगाते हैं तो ये स्ट्रेचेबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होगा आपके बॉडी पे एंड आई रियली लाइक दिस। बहुत ही क्यूट सा है, अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं आप तो आपके लिए बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही पॉप अप कलर है एंड साथ साथ काफी क्यूट भी है। सो दूसरा है ये रेड कलर का किम टॉप, ये बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली प्राइस वाइज इसका जो कपड़ा है क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में भी इसका जो आगे का आई डोंट नो कि ये ऑलरेडी ऐसा स्ट्रक्चर ही है इस टाइप का ही है या सिर्फ मुझे कोई डिफेक्टिव पीस मिल गया है आई डोंट नो, क्योंकि ये आगे का जिस तरीके से इसका जो गला है पूरा ओपन हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो डेफिनेटली मैं इसका कुछ ना कुछ तो करने वाली बिकॉज मुझे रियली इसे वेयर करना है, और अभी जिस तरीके का ऐसे मैं वेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो आई थिंक मैं कुछ तो करने वाली हूँ यहाँ से, इन दोनों को निकाल के साइड से इसे इस तरीके से टाइट करके और फिर ये वाला जो है ये इधर मैं इस तरीके से स्टिच करूंगी। सो जब भी मैं ये करूंगी डेफिनेटली मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी कि मैंने इस टॉप के साथ क्या किया है, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करें जाके फॉलो करें बिकॉज मेरे इनके सारे कपड़े मैं पोस्ट करती रहती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में एंड ऑल दैट। नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये ब्लैक कलर का लॉन्ग जंप सूट। एक्चुअली ये मैंने मेरे लिए नहीं, ये मैंने मेरी भाभी के लिए मंगवाया है, सो दैट्स वाई ये थोड़ा लॉन्ग रहेगा और हल्का लूज भी है मुझे, बिकॉज जैसा मैंने बोला मैंने भाभी के लिए मंगवाया, बट इसका जो फिट है भाभी बहुत ही प्यारा आता है, वेयर करने के बाद इट्स लुक अमेजिंग। इसका जो ये नेट वाला डिज़ाइन है स्पेशली वो काफ़ी एक फॉर्मल और एक डायनामिक लुक देता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ तो कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, नॉट बैड दैट मच, बट इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी प्यारा आता है। नेक्स्ट मैंने पिक किया ये कॉर्ड सेट, और ये है कुछ इस तरीके का, इट्स लाइक अ जैकेट क्योंकि इसमें जिप दिया हुआ है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं एंड ये फुल स्लीव्स में है तो मुझे फुल स्लीव्स तो काफ़ी पसंद है, और दूसरी बात दिस इज़ वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग, और अभी लाइक विंटर है तो इस टाइप का फुल स्लीव्स वाला जैकेट इसके अंदर कोई भी आप किम टॉप या कोई भी ट्यूब टॉप वेयर करके इसके ऊपर जैकेट वेयर कर सकते हो, स्पेशली ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, कन्वीनियंट है, आप जिम के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल। और मटेरियल मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी येस, बट इसका जो डिज़ाइन है एंड एवरीथिंग लुक बहुत ही अच्छा आता है, सो दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस, और काफ़ी कम्फर्टेबल मटेरियल ये बोलूँगी, जैसा कि मैंने बताया आपको ट्रैवलिंग के लिए जिम के लिए इट्स रियली गुड, सो यू कैन बाय दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर द जिम एंड ट्रैवलिंग। नेक्स्ट मैंने पिक किया जो अभी तक शायद शीन पे मैंने नहीं लिया था वो है बॉटम, क्योंकि बॉटम के लिए मैं थोड़ा डर रही थी बिकॉज मेरी हाइट छोटी है, दूसरा मुझे फिट आएगा या नहीं आएगा। मैंने एक डेनिम का ओवरऑल लिया था बहुत पहले और वो मुझे बहुत ज़्यादा लूज आया था, उसके बाद से मैंने कोई भी बॉटम वाला पिक नहीं किया था कपड़ा शी इन पे, बट स्टिल मैंने इस बार एकदम साइज सब कुछ देख वेख कर, बहुत ही कम ऑप्शन है शॉर्ट हाइट वालों के लिए शी इन पे बॉटम्स में, क्योंकि जो भी अच्छा दिखता था उसकी हाइट ही ज़्यादा रहती थी एंड साइज़ ज़्यादा बड़ी रहती थी,
जो भी ट्रेंडी अलग रहता था, बट स्टिल मुझे ये एक मिल गया। अगर आपकी हाइट छोटी और आप देख रहे हैं शेन पे कोई बॉटम, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हुआ है और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, बट या इट इज़ स्ट्रेचेबल। और इसका ये जो फ्रंट का दिया गया है ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसके पीछे जिप दिया गया है, हाँ आगे नहीं, इसके पीछे जिप दिया गया कुछ इस तरीके से। तो मैंने कभी भी पीछे जिप वाला वेयर नहीं किया, तो मैं थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हूँ इसे वेयर करने में, बट स्टिल देखते हैं वेयर करके कैसा लगता है। नेक्स्ट मैंने लिया ये मॉक नेक का ड्रेस, और ये ड्रेस एक्चुअली मैंने मेरी फ्रेंड के लिए लिया है। सो एज यू कैन सी लूज लग रहा है मेरे पे, लाइक हैंड और ड्रेस भी, बट इसका मुझे जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये ड्रेस ऐसा है कि लाइक आप पार्टी में भी, लाइक डे पार्टी और नाइट पार्टी दोनों में ही वेयर कर सकते हैं। 3 कलर्स ऑप्शंस है इसमें, बट मुझे ये रेड वाला पसंद आया। नेक्स्ट मैंने लिया ये जंप सूट, पिंक कलर का है। ये मैंने आर्या के लिए पिक किया, और बिलीव मी गाइस, इसका जो मटेरियल है दिस इज सो मच गुड। लाइक मैं सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न मैं देख रही थी कि बिग वन में भी हो, बड़े लोगों में हो, बट वो नहीं था। एंड रियली अगर मतलब मैं शीन को बोलूँगी सेम टू सेम अगर ये पैटर्न वो यू नो बिग वाले में भी निकाले तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज ये जंपसूट इतना प्यारा है, फिट बहुत अच्छे से हुआ। वो थोड़ी सी काफ़ी थिन है, लाइक थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा थिन है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा ढीला हो रहा है, जो कि मैं साइड से फिट कर दूंगी, बट स्टिल ये पिंक कलर, ओ माय गॉड। बट हाँ, सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, जैसा वेबसाइट पे दिख रहा था इसका कलर और एक्चुअल के कलर में थोड़ा डिफरेंस है, बिकॉज एक्चुअल में ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट पिंक है और पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा था, तो बस वही मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि वहाँ पे कलर में काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी लाइट आया है, जैसा फोटो में दिख रहा था वैसा नहीं है। अब आर्या के लिए ले लिया, तो औद्विक को कैसे छोड़ सकती हूँ, तो औद्विक के लिए भी मैंने पिक किया। ये दोनों सेट था, शर्ट और नीचे का पैंट विथ दैट डंगरी और आई डोंट नो व्हाट यू कैन कॉल्ड, ठीक है, और वो बहुत ही क्यूट सा दिख रहा है एज यू कैन सी। मुझे इसका बो जो है बहुत प्यारा लगा, मटेरियल इज गुड, बट दोनों का जो सेट है क्यूट लग रहा है औद्विक के ऊपर, सो आई रियली लाइक दिस। नेक्स्ट टॉप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वेयर कर रखा है, इट सेज पॉपकॉर्न, और डेफिनेटली इसे मैंने सेव करके रखा है सिर्फ मूवीज के लिए, तो जब भी मैं मूवी में जाऊँगी मैं ये वेयर करने वाली हूँ, बिकॉज पॉपकॉर्न मैं खरीदूँ ना खरीदूँ बट मेरे पास ये पॉपकॉर्न रहेगा खाने के लिए। कितना गंदा जोक मारा मैंने, आई नो दैट। हाँ, पर ये टॉप आपको आपके फिटिंग का नहीं मिलेगा, ये सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, स्टिल ये लूज है क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा है, तो फिर भी ये इतना प्यारा लगता है डेनिम के साथ। आप कोई भी बॉटम वेयर कर रहे हैं, बस इन कर ले टी शर्ट को एंड यू आर रेड। नेक्स्ट लिया है मैंने ये हुडी, मैंने मेरे भाई के लिए लिया, और ये काफ़ी वार्म है, मतलब विंटर के लिए इट्स परफेक्ट साइज एंड ऑल दैट, कपड़े भी अच्छे थे, वार्म रखेगा विंटर में डेफिनेटली, तो ये वाला मैंने पिक किया। नेक्स्ट ये दोनों सेट है, और ये जो फर्स्ट वाला है एक्चुअली इसको जब मैंने देखा था वेबसाइट पे मुझे लगा कि ये विंटर के लिए, बट ये विंटर के लिए नहीं है, इट्स नॉर्मल लाइक समर उमर में भी आप वेयर कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, मटेरियल ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट लिया ये ब्लैक कलर का जैकेट, विंटर के लिए परफेक्ट है, एक्चुअली उसमें वेबसाइट में मेंशन नहीं है विंटर, बट स्टिल वो विंटर के लिए बहुत अच्छा है, उसका जो कपड़ा है वो वार्म रखेगा, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा विंटर की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स लाइक बॉम्बे वाला जो विंटर रहता है वैसा विंटर। नेक्स्ट लिया मैंने ये बेडशीट, लास्ट हॉल में भी मैंने मेरे लिए बेडशीट लिया था मेरे बेडरूम के लिए, एंड मुझे इसके बेडशीट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लाइक कपड़ों से भी ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी बेडशीट की है, बिलीव मी। इसलिए मैंने दूसरा फिर से मंगाया, एक नहीं मैंने दो दो बेडशीट मंगवाए हैं, एक तो ये वाला बेडशीट है जिसमें यू नो लीव्स बने हुए हैं,
पाम लीव्स यू कैन से, यस इट्स अ पाम लीव। सो जो दूसरा है वो भी उसका भी प्रिंट सेम वैसा ही है पाम लीव्स में ही, बट डिफरेंट है। आप देख सकते हैं इमेज में फुल वैसा ओपन करने पे ऐसा दिखता है। एंड इसमें भी ये भी पूरा सेट है, टू पिलो ब्लैंकेट कवर एंड बेडशीट का। एंड जैसा मैंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा बेडशीट की क्वालिटी, दैट्स व्हाई आई थिंक ये थर्ड हो गया। लाइक इस बार मैंने दो मंगवा लिए बेडशीट, सो आई रियली लाइक दिस। इफ यू आर लुकिंग फॉर बेडशीट, बिलीव मी एक बार आप परचेस करो, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा है बेडशीट का क्वालिटी। नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये स्टार वाला क्यूट ग्लिटरी बैग। एक्चुअली ये मुझे गैलेक्सी का लुक दे रहा है बिकॉज इस पे स्टार है और ये ब्लैक कलर का बैग है। बहुत ही क्यूट है, स्पेशियस है। एक्चुअली मैं रिसेंटली लोनावाला गई थी और इसी में मैंने अपना कैमरा पूरा सब कुछ रखा था, सो इट्स रियली नाइस। बस एक ही चीज़ है कि मुझे लाइक पाउचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारी पॉकेट्स रहे हैं, पॉकेट ही बोलते हैं ना, आई गेस पॉकेट ही बोलते हैं, मतलब इस तरीके के यू नो पॉकेट, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसमें सिर्फ ये दिया, एक दिया है और ये एक चेन दिया है, और इस चेन के अंदर एक छोटा सा स्पेस दिया है लाइक इस तरीके से, बस उसके बाद नहीं। और ये थ्री सेट्स का बैग है, तो उसके साथ ये एक छोटा सा और ग्लिटरी वाला पाउच दिया है जिसमें कार्ड और सब कुछ है, रख सकते हैं। जो थर्ड वन है वो ये है, स्लिंग बैग है एक्चुअली ये, और इसका चेन इसके साथ दिया गया है। एंड गाइज अगेन सेल चल रहा है शीन पे, ईयर एंड सेल, तो आप जाके ग्रैब कर सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल में काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट था, बहुत लोगों ने इन्जॉय भी किया, बट अगर आपने वो सेल मिस कर दिए, ये सेल में डेफिनेटली परचेस करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यू नो आपको लेस प्राइजेस में मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट येस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 2000 के ऊपर की शॉपिंग या 2000 तक की शॉपिंग करते हैं आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाइए कोड यूज़ कीजिए एंड एंजॉय योर डिस्काउंट। लाइक डिस्काउंट सेल चल रहा है उस पर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाए। सो ये है टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। हम सबको पता है पब्लिक टॉयलेट कितना गंदा होता है, बट स्टिल हमें यूज़ करना पड़ता है विच इज़ अनहाइजीनिक, और हमारे हेल्थ पे भी बहुत उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप यूज़ करें आपको पॉट के ऊपर इसे स्प्रे कर देना है, और उसके बाद 5 सेकेंड्स में ये सैनिटाइज कर देगा। आप यूज़ कर सकते हैं वॉशरूम बहुत ही ईजिली, तो इस प्रोडक्ट को आप ज़रूर यूज़ करें। टॉयलेट सीट सैनिटाइजर आपके पास होना ही चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाइजीन, फॉर योर हेल्थ। तो इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। बगल में जो छोटी सी घंटी दिखेगी उसे भी जरूर बजाएं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।